नियम जान लीजिए वरना लगेगा भारी जुर्माना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन के विधेयक के मसूदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगने का प्रावधान है। किसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाने रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगने का प्रावधान किया गया है। एक अधिकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि विधायक दूसरे पहले राज्यसभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निश्चित हो गया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हुई मोदी की अध्यक्षता में वाहन विधेयक के मसूदे को मंजूरी दे दी गई है। इसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधायक ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिग द्वारा वाहन चलाने, बिना लाइसेंस खतरनाक ढंग से वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना, निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठा कर अथवा अधिक माल लाद कर गाड़ी चलाने जैसे नियमों को अथवा आर्थिक माल लाद कर गाड़ी चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधक विधेयक के सौदे के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर अब 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।